परिषद चुनाव के 24 सीटों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही जनप्रतिनिधि बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी मोबाइल आपका ठीक है? वही पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और वहाँ हमारा मतदान दल, पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी लोग मूवमेंट में हैं और सभी लोग निगरानी कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोगों का प्रयास है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। लगभग 11% मतदान अभी तक हुआ है और एक दो जगह से कुछ कुछ शिकायतें आई थी। कार्यालय 200 मीटर के दायरे के अंदर थे और गुरुद्वारा शरीफ में था। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सभी मामले में जहां भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाएगा वहां हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई वोट डालेंगे और ये भागलपुर और बांका विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। भागलपुर में 16 और बांका जिले में 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमको विकास कर रहा है हमको उसी को हम देंगे, जिताएंगे। दरभंगा जिले में भी विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। चुनाव में विभिन्न दलों के कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसलिए यहां पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट फोर्स और अन्य दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में करवाया जा रहा है। इधर मुजफ्फरपुर जिले में भी विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिले में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता संतोष कुमार ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया है। शहरी क्षेत्र के नगर भवन स्थित मतदान केंद्र पर मौजूद हूं, जहां जिला प्रशासन ने इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और यहां पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरा निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहा है।